गुड़ विधानसभा क्षेत्र के जनपद रायपुर करचुलियान से अधिकारियों से साठगांठ करके वर्ग 3 का लिपिक फर्जी तरीके से विगत कई वर्षों से उठा रहा है वर्ग 2 का वेतन। उक्त लिपिक की ऑडिट में वर्ष 2005-06 में लाखों रुपए की निकाली गई थी रिकवरी, आज तक नहीं हुआ कमिश्नर के आदेश का पालन। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जनपद कार्यालय रायपुर करचुलियान से है, जहां पर एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है। सूत्रों द्वारा पता चला है कि वर्तमान में लिपिक वर्ग 2 के पद पर कार्य कर रहे शशि भूषण मिश्रा विगत कई वर्षों से फर्जी तरीके से लिपिक वर्ग 2 के पद पर कार्य कर रहे हैं, जबकि यह लिपिक वर्ग 3 के कर्मचारी हैं। इनके द्वारा धोखाधड़ी एवं अधिकारियों से साठगांठ कर कूट रचना करके स्वयं की पदोन्नति सहायक वर्ग 2 में बिना विहित अधिकारी के अनुमोदन से की गई है। इसकी शिकायत जिला पंचायत एवं कमिश्नर रीवा को सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व में कई बार की जा चुकी है, जिसकी शिकायत पर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा द्वारा 16 जून 2007 को आदेशित भी किया जा चुका है। कमिश्नर के पत्र में साफ साफ लिखा है कि प्राधिकारी से अनुमोदन स्वीकृति के अनियमित पदोन्नत कंडिका क्रमांक 12 अग्रिम राशि रुपए 7,94,526 समायोजन वसूली हेतु शेष कंडिका क्रमांक 13 आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा कार्यालय अभिलेखों की जाँच एवं भौतिक सत्यापन न किया जाना इत्यादि कंडिकाओं में उल्लेखित तथ्यों के दृष्टिगत जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं एवं नियम निर्देशों की अवहेलना की गई है। और साथ में यह भी उल्लेख है कि दोषी पाए जाने वाले कर्मचारी पर कार्यवाही कर 15 दिवस के अंदर अंदर अवगत कराएं। लेकिन आज दिनांक तक उक्त लिपिक शशि भूषण मिश्रा वर्ग 2 की पद पर बैठकर वर्ग 2 की तनख्वाह ले रहे हैं। गौर करने की बात यह है कि वर्ष 2007 में कमिश्नर द्वारा जारी किए गए पत्र में 7,94,526 रुपए की वसूली आई थी। अंदाजा लगा लीजिए अब तक बढ़कर कितने रुपए की वसूली हो गई होगी, यानी सरकारी पैसे में इतनी ज्यादा व्यापक अनियमितता। कार्यालय में पदोन्नति का प्रमाण भी मांगा गया लेकिन टाल मटोल करके टाल दिया गया। रीवा से संवाददाता अनुज प्रताप सिंह की रिपोर्ट।